हम इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पे भारत के जो क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत, उनका एक्सीडेंट हुआ था और क्या इसके मुख्य कारण रहे ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये जो हाईवे है आप देख रहे हैं हाईवे जो है दिल्ली हाईवे है और ये नारसन गुरुकुल नारसन बॉर्डर के पास की ये जगह है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये निकल के आ रहा है कि जो ये नाला है, जो ये खेतों में जाने का पानी का ये नाला है, ये बिल्कुल हाईवे के पास आ रहा है और इसी के कारण यहाँ पे पहले भी कई बड़े एक्सीडेंट हुए जिससे कई लोगों की जान चली गई और कल भी मुख्य वजह इसकी यही आ रही है कि जब ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की की तरफ आ रहे थे और जब उन्होंने यहाँ पे, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत तेज थी और उन्होंने जब यहाँ से साइड करने की कोशिश करी तो ठीक इसी ये जो जगह है इस जगह से उन्होंने अपनी गाड़ी को साइड करा और साइड करने के बाद उनको अपने आप को संभाल नहीं पाए और ठीक गाड़ी जो है वो जो वहाँ पे वो डिवाइडर टूट रखा है उसमें उड़ते टकराई और उस वहाँ से उड़ने के बाद वहाँ पे गिरी और उसके बाद ये पूरा एक्सीडेंट हुआ। हालांकि क्यों ये जगह इतनी खतरनाक क्यों है, क्योंकि हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो बताएंगे कि क्या है यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम जो यहाँ पे हमेशा ऐसी एक्सीडेंट होते हैं। ये होते हैं क्योंकि ये रोड में आ रहा है और यहाँ पे आदमी डिसबैलेंस हो जाता है आके यहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। कई किसान मर गए यहाँ पे, गन्ने की ट्रैक्टरों में ले जाते हैं सुबह मील में और यहाँ 5-7 किसान की मृत्यु हो चुकी है अब तक। अरे क्या कारण रहा कि हाईवे पे इस तरह से इस नाले को रखा रोका गया है? ये PWD वाले NH वाले बना नहीं रहे इसको और कोई समस्या कुछ नहीं, कोई मना नहीं कर रहा, किसानों का खेत भी दूर है यहाँ से, किसान भी कोई रुकावट नहीं है लेकिन इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो कभी आप लोगों ने मांग करी कि इसको हटाया जाए यहाँ पे, क्योंकि इतने ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं? हाँ जी, कई बार कहा लोगों ने, NH वालों को कहा लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इस तरफ जी। तो बिल्कुल जैसे कि हमने आपको बताया कि ये नाला एक मुख्य वजह हो सकती है जो ऋषभ पंत का कल रात को एक्सीडेंट हुआ है, इस नाले की वजह से ही वो एक्सीडेंट हुआ होगा, क्योंकि कई एक्सीडेंट यहाँ पहले भी हो चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है और कल रात को जो हादसा हुआ वो भी बिल्कुल इसी के कारण ही हुआ। अधीर यादव, नारसन बॉर्डर, News24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।